नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, किसका? रूट वर्ड से वोकेबुलरी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि रूट वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो सभी एग्जाम्स में काम में आता है और हर पेपर में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें काम में आता है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन रूट वर्ड से। नया रूट वर्ड है आज के लिए साइड। साइड का मतलब होता है किल, यानी कि हत्या करना, मर्डर मतलब हत्या करना या मारना, हत्या या मारना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट वर्ड आज के लिए। आज का पहला वर्ड है सुसाइड। सुसाइड मतलब दोस्तों सभी ने सुना हुआ है, आत्महत्या के लिए यूज किया जाता है, यानी कि मर्डर ऑफ वन सेल्फ मतलब स्वयं की हत्या करना। तो क्या बोला जाता है उसको? आत्महत्या। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन्फेंटिसाइड। दोस्तों इन्फेंट मतलब होता है भ्रूण। इन्फेंट मतलब होता है भ्रूण और साइड का मतलब होता है किल या मर्डर। तो किल, देखो इन्फेंट को मारना क्या होता है? इन्फेंटिसाइड, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? भ्रूण हत्या। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आज का युग्जोरी साइड। दोस्तों युग्जोरी वर्ड यूज किया जाता है पत्नी के लिए, यानी कि मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी कि खुद की पत्नी की हत्या करना क्या कहलाता है? युग्जोरी साइड या फिर पत्नी हत्या। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड होता है दोस्तों पति की हत्या करना, यानी कि मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। दोस्तों दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। युग्जोरीसाइड मतलब होता है पत्नी हत्या, मेरिटिसाइड मतलब होता है पति की हत्या। दोस्तों मेरिटी जैसा एक और वर्ड है मेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड मतलब होता है मेट्री मतलब एम फॉर मदर के लिए, मतलब मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी कि मातृ हत्या, मां की हत्या करना क्या कहलाता है दोस्तों? मेट्रिसाइड। अगर कोई व्यक्ति खुद की माता की हत्या करता है मतलब मेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस मदर। और मेरिटिसाइड अगर होता है दोस्तों मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, अपने पति की हत्या करना क्या कहलाता है? पति हत्या, ठीक है, मेरिटिसाइड। पेट्रिसाइड दोस्तों कहलाता है पिता की हत्या। दोस्तों क्या है? पेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस फादर मतलब किसी स्वयं के पिता की हत्या करना क्या कहलाता है? पितृ हत्या या फिर पेट्रिसाइड। और मेट्रिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी कि माता की हत्या करना मेट्रिसाइड। नेक्स्ट है दोस्तों फेट्रिसाइड। ये है ब्रदर के लिए, यानी कि मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि भ्रातृ हत्या, यानी कि भाई की हत्या। अगर कोई व्यक्ति खुद के भाई की हत्या करता है तो क्या कहलाता है? फ्रेट्रिसाइड, यानी कि मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि भ्रातृ हत्या। एक और वर्ड है दोस्तों सोरोरीसाइड। दोस्तों क्या है सोरोरीसाइड? ये होता है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, यानी कि स्वयं की बहन की हत्या करना क्या कहलाता है? सोरोरीसाइड, यानी कि बहन हत्या। दोस्तों नेक्स्ट है जर्मिसाइड। उसके पहले देखते हैं अपन दोस्तों जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है दोस्तों एक ही जीन के सारे लोगों की हत्या कर देना, मतलब एक ग्रुप के बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना क्या कहलाता है? जीनोसाइड। या फिर पूरे रेस की हत्या कर देना क्या कहलाता है दोस्तों? जीनोसाइड। दोस्तों किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के बहुत बड़े समूह को क्या करना? मार देना, एक साथ मार देना क्या कहलाता है दोस्तों? जीनोसाइड। आप याद रखें तो एक जीन को एक साथ खत्म कर देना मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या करना, इसको बोलते हैं दोस्तों नरसंहार। आपने दोस्तों एक वर्ड सुना होगा
कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात वो फील किया था कि बहुत सारा नरसंहार हुआ, उसकी वजह से फिर उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, स्वीकार किया। तो फिर नरसंहार मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की हत्या करना, लगभग 2 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख सैनिक घायल हुए थे उस टाइम पे सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के अंदर। तो दोस्तों वो क्या होता है, जीनोसाइड था एक तरह से। तो किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाएगा, नरसंहार। नेक्स्ट है दोस्तों जर्मीसाइड। जर्म मतलब होता है दोस्तों जर्म मतलब रोगाणु, जो रोग पैदा करने वाले, तो जो जो रोग पैदा करते हैं उनको मारने की दवा। एन एजेंट विच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, जर्मीसाइड। और नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट आज के लिए इंसेक्टिसाइड। दोस्तों इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े या कीट पतंगे जो होते हैं। तो कीड़ों को मारने की दवा, साइड मतलब मारना, तो जो दवा कीड़ों को मारती है वो क्या कहलाएगी, इंसेक्टिसाइड। यानी कि एन एजेंट विच डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, यानी कि कीटनाशक जिसको बोल सकते हैं अपन हिंदी में, कीटनाशक। इसके ऊपर वाला था दोस्तों जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब होता है हिंदी में अगर अपन बोले जर्म को मारने वाला, कीटाणुनाशक या फिर रोगाणुनाशक। एक बार रिवाइज कर लेते दोस्तों, 11 वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे। सुसाइड का, साइड का मतलब होता है दोस्तों किल या मर्डर, यानी कि हत्या करना या मारना। पहला वर्ड था सुसाइड, मर्डर ऑफ वन सेल्फ क्या हो जाएगा, आत्महत्या। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड वर्ड यूज होगा इन्फेंट यानी कि भ्रूण के लिए, यानी कि भ्रूण को मारना, मां के गर्भ में ही मार देना, क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड। यूक्सोरीसाइड मतलब पत्नी की हत्या करना, क्या कहलाता है, यूक्सोरीसाइड। मेरिटिसाइड मतलब पति की हत्या करना, हस्बैंड की हत्या करना, क्या कहलाता है, मेरिटिसाइड। नेक्स्ट है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड मतलब फादर की हत्या करना, क्या कहलाएगा, मर्डर ऑफ वन्स फादर, पितृ हत्या। नेक्स्ट है मैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ वन्स मदर यानी कि अपनी माता की हत्या करना, क्या कहलाता है, मैट्रीसाइड। दोस्तों मैट्रीसाइड और मेरिटिसाइड में फर्क है, ध्यान रखना, पेट्रीसाइड और फ्रेट्रीसाइड में फर्क है। फ्रेट्रीसाइड होता है मर्डर ऑफ वन्स ब्रदर यानी कि भाई की हत्या करना। नेक्स्ट है दोस्तों जीनोसाइड। जीनो मतलब जीन, जीन मतलब नरसंहार, एक एक साथ एक मात्रा में बहुत सारे लोगों की हत्या करना, क्या कहलाता है, जीनोसाइड। नेक्स्ट है दोस्तों सोरोरीसाइड, मर्डर ऑफ वन्स सिस्टर यानी कि स्वयं की बहन की हत्या करना, क्या कहलाता है, सोरोरीसाइड। जर्मीसाइड होता है कि ऐसे जीव या ऐसे कीटाणु जिनको जो दवाइयां, जो रोगाणु मतलब रोग फैलाते हैं, जो बीमारी का कारण होते हैं, उनको नष्ट करना, क्या कहलाता है, जर्मीसाइड। और नेक्स्ट होता है लास्ट है आज के लिए इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारना, इंसेक्ट मतलब कीड़े, एन एजेंट विच डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स यानी कि कीटों को मारने की दवा, क्या कहलाती है, कीटनाशक। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों इसी तरह रोज के लिए अपन कुछ रूट वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आते रहेंगे, और देखते रहिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू।